This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद बर्ड दी पल्स के साथ. जैसा कि आपके इल्म है कि आजकल तो सिर्फ एक ही मसला चल रहा है, वो है पनामा लीक्स का और जेआईटी का. जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश हो चुकी है, अब उसकी फाइनल एनालिसिस हो रही है और होपफुली मेरा ख्याल है कल जो है ये इख्तिताम के होगी और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फिर जो है इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी. और आज भी एश्योरेंस आई है कि जो भी फ़ैसला आएगा वो कबूल किया जाएगा. असल में उसी में बेहतरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा पाकिस्तान का कोई भी नहीं है. और जब ये केस चला था शुरू में तो सब ने, दोनों पार्टियों ने यही कहा था कि जो भी फ़ैसला होगा वो हमें कबूल होगा. लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से जेआईटी पर तनकीद की गई और जिस तरह से अभी भी तनकीद की जा रही है, जिस तरह से उनके मिनिस्टर जो हैं वो बयानात दागते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, अजीब अजीब किस्म के चार्जेस लगाते हैं. अभी मरिया औरंगज़ेब साहब फरमाती हैं कि ये जो रिपोर्ट है बदनीयती पर मुबनी है. अब ये मतलब वो इस तरह की जजमेंट पास करना कतई नामुनासिब बात है. आफ्टर ऑल ये सीनियर ऑफिसर थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और सारी दुनिया ने इनके काम को सराहा है, पूरी कौम ने सराहा है कि इन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है. उन्होंने को फ़ैसला थोड़ी दिया, इस पर भी बहस होती रहती है कि जी ये तो फ़ैसला नहीं है. वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वो जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए वो कि हम उसके ऊपर अमल दरामद करें, ऐसी कोई बात नहीं है. वो तो उसमें से देखेंगे जो दस्तावेज़ के हवाले से देखेंगे कि जो दस्तावेज़ उन्होंने पेश किए हैं, बड़ी मेहनत से तलाश किए हैं, ढूंढी हैं, क्या वो सही हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं है. जिन सवालों के जवाब मांगे गए थे जब उधर से नहीं आए तो फिर उन सवालात के जवाब जो है वो जेआईटी रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि मिल जाते हैं. पनामा का मामला जो है आपको याद होगा कि अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था और इस हवाले से एक हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे क्लिप भेजा है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. और वो क्लिप भी है जनाब सदर मुमलकत पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब का, जिन्होंने कोटरी में 14 मई को शायद अपनी तकरीर की थी वहाँ पे एसोसिएशन में. और उस हवाले से उन्होंने जो करप्शन के हवाले से और पनामा लीक के हवाले से बात की थी वो मैं आपको सुनवाता हूँ. उसके बाद फैसला 20 करोड़ अवाम पे छोड़ देते हैं. एक चीज़ मैं बताता चलूं कि ये हमारे जो सदर मुमलकत हैं कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं बिल्कुल सही बात करते हैं और लगी लिपटी नहीं लगाते, जो हकीकत है उसको बयान करते हैं. हाँ भाई, ज़रा दिखाएं ज़रा वो क्लिप ताकि पता चले. करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है. ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है. कभी गौर कीजिए इस बात पे. ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे. आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता. आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे. ये बात मेरी याद रखिएगा, कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई चार माह के बाद होगा, कोई छह माह के बाद होगा, कोई एक साल के बाद होगा. ये अल्लाह का एक निज़ाम है. आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग उनका ये बयान था जो उन्होंने तकरीर की. अगर आप 14 मई 2016 और आज 17 जुलाई देखें तो तकरीबन एक साल से थोड़ा ऊपर ही हुआ है.
उन्होंने जो प्रडिक्शन की थी वो बिल्कुल 100% सही साबित हुई है। अब आप देखें कि उनका विज़न क्या था और उन्होंने मतलब जो भी बातें की हैं वही आप इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज ख्वाजा आरिफ साहब ने काफ़ी कोशिश की दलाल देने की, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई वज़न नहीं था उनके अंदर। देखें, जब एक तरफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो, मतलब एक नहीं बट कोरोबोरेटेड एविडेंस हो, तो वहाँ पे ज़रा ज़रा मुश्किल हो जाता है उसको बात को करना। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके लिए हमने आज दावत दी है जनाब अफसर इमरान साहब को, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और साबिक सदर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। वेलकम सर आपको प्रोग्राम में, और इनके साथ आपके जाने पहचानी शख्सियत हैं जनाब शरफुद्दीन मेमन साहब, साबिक मुशीर वज़ीर आला सिंध और हाल ही में वो माशाल्लाह डिफेंस ऑफिसर्स रेजिडेंस के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बिल्कुल नहीं इलम था, बड़ी खुशी हुई सुनकर। आपसे अफसर इमरान साहब शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि पनामा लीक के हवाले से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है मीडिया के ऊपर जो ना ख़त्म होने का नाम लेता है। हर एक आदमी अपने आके दला, इधर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जैसे ही ख़त्म होती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बाजार लग जाता है और बारी बारी मुस्लिम लीग नून के लीडर और पीटीआई के लीडर और दूसरी जमातों के लीडर आके अपना तबसरा पेश करते हैं। क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है, किसी किस्म का टॉलरेंस नहीं है? हम इंतज़ार क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? और फिर ये जो थोड़ा सा तबसरा आपका चाहूँगा, सदर मुमकिन ने जो बात की कि इसमें एक साल भी लग सकता है, तो आपने देखा एक साल के बाद जो कुछ होना था। ये उनकी अपनी पार्टी के मुंतखब सदर हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जनाब भट्ट साहब बहुत शुक्रिया मुझे गुफ्तगू के लिए मधु करने का। सदर ममलिकत जो हैं वो बुनियादी तौर पर सियासतदान तो हैं नहीं, और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ वो एक मासूम आदमी हैं, मगर उनकी नज़र और उनकी जो बालिदगी है जहन की वो ऐसी है कि वो चीज़ों की हकीकत तक या हकीकत तक पहुँचने के लिए जो वो उनकी नज़र होती है वो दुरुस्त साबित होती है। ये जो अभी उन्होंने खिताब फरमाया, उस वक्त इसका इतना चर्चा नहीं था ना इसके बारे में इतनी लोगों में अवेयरनेस थी कि ये कोई ऐसा बड़ा मामला है और हुकूमत और हुकूमत वक्त के गले पड़ जाएगा ये मामला, तो उस वक्त तो इनके जहन में नहीं था। वो एक जो बात थी इल्हामी किस्म की बात थी वो उन्होंने फरमा दी, और उसके अभी हम जो देख रहे हैं वो ऐसे ही हो रहा है। उनका एक साल भी लग सकता है, वो एक साल आपने भी फरमाया कि वो वाकई वो एक साल तक बात गई है, लेकिन ये इसके जो नतायज हैं, जो इसकी फाइंडिंग्स आएंगी, जो वर्डिक आएगा कोर्ट का, वो पता नहीं कितना अरसा खा जाए। और अंदेशे ये हैं, ये बात ये फैसला तो हो जाएगा, मगर हमारे अंदर जैसा आपने फरमाया कि पेशेंस तो है नहीं, हम चीज़ों को हम अदालती फैसलों को इस तरह तस्लीम नहीं करते, हमारी आदत नहीं है, हम खूगर नहीं है इस बात के चीज़ों को मान लें। तो अब जो भी नतीजे आएंगे, मैं डर रहा हूँ इस बात से कि इसके नतायज जो है और इसको तस्लीम न करने के बारे में सियासी पार्टियों के दरमियान कहीं क्लैश न हो जाए, यहाँ हुकूमत का काम न रुक जाए। हुब्बुल वतनी न इधर नज़र आ रही है न इधर नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं जाओ, वो कह रहे हैं नहीं जाएंगे। जाओ तो फिर वो अल्टरनेट नहीं है सामने सर, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जाएँ तो फिर होगा क्या, आएगा क्या, उस खला को कौन पूरा करेगा? क्या सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो इस खला को पूरा करेगी? सर नहीं, इस खला को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। एक अजीब अफसर साहब, नो बॉडी इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस वर्ल्ड जी, आपको याद होना पता होना चाहिए सर। कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कितने सदर आए और आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो ये जो बात जी हाँ वो फिर आता है, फौज आती है ना, हाँ, फिर सिविल फौज नहीं आएगी होता है। शरफुद्दीन मेमन साहब, इन्होंने जो बात की है जी, वो बात इन्होंने अपनी जगह काफ़ी चीज़ें उन्होंने दुरुस्त कही हैं। हाँ, इस पे सिर्फ मुझे खिलाफ है कि इनका कहना है कि जी अगर इतना बड़ा खिलाफ कौन पूर करेगा, तो ये आपने भी जो बात कही कोई इंडिस्पेंसिबल कोई भी नहीं है, मगर इसमें इनके पास रास्ता है।
इनके पास वो रास्ता वो है जो सामने आ रहा है, इसलिए हम तो ना किसी जमात में ना किसी सियासत में ताल्लुक नहीं है, मगर जो फेयर बात है वो करने वाली है। तो जो जिलानी साहब के साथ भी हुआ था तो उन्होंने भी एक स्टेप लिया था और उन्होंने वो डेमोक्रेसी को या जमहूरियत को डिरेल होने नहीं दिया, उन्होंने वो जो जैसे तसलसल बरकरार रखा उसका। जी हां, इनके पास भी रास्ता तो बड़ा आसान तो है। रास्ता ये है कि जनाब वो स्टेप डाउन करके उसको फेस करें जो केस चल रहा है और उसमें उनके फेवर में जाए उनके अगेंस्ट जाए, वो तो बात की बात है, सब्जेक्टिव मैटर है। आप नहीं समझते कि इनिशियली साहब के जब इनिशियली जीआईटी फॉर्म हुई थी उस वक्त भी ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकते थे। बिल्कुल, ये स्टेप डाउन करते तो इनकी वो इनका दोबारा भी आ सकते थे और अपने ही पार्टी में से किसी को लेके वो कंटिन्यू करते गवर्नमेंट को, तो वो खला तो पैदा होती नहीं है यहाँ पर, वो गैप तो पैदा होता नहीं है। आपकी कंटिन्यूटी होती है आपकी, और आपके अगले साल आपके इलेक्शन हैं, तो अगर आपका कोई प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा आ जाता है, कोई भी XYZ जो भी आप चूज करें वो आपका चॉइस है और आपके पास मेजोरिटी है, तो आपकी कंटिन्यूटी तो वहाँ पर है। अब ये तो नहीं हुआ कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो इसका मतलब वो पूरी उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं चलेगा, तो ये भी तो बात गलत है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, आपका पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, इतना स्ट्रांग है कि अगर आपका एक स्टेप डाउन हो जाता है प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर अगर वो चूज़ करते हैं उन्हीं की पार्टी में से चूज़ होता है, तो यहाँ तो कोई भी चीज़ें जो हैं डिरेल होने के तो चांसेस हैं ही नहीं इसके अंदर। लेकिन ये यहाँ तनाजर में इन्होंने बात की है, यहाँ पे तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना। तो हाँ, अगर उस तनाव अगर उस तरह का पैदा होता है कि इसका मतलब तो ये असर हुआ कि जनाब एक पार्टी का लीडर है और एक प्राइम मिनिस्टर है, अगर वही अगर वो चीज़ चला सकता है और वो हट जाता है, इसका मतलब बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और क्रिएट हो जाएगा। तरमीम में ये है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं You cease to be member of exactly. तो मतलब ये तो फिर आपने सबका जमीर खरीद लिया हुआ है ना, किसी का जमीर से लोगों बात कर ही नहीं सकता। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे ये इतने खौफजदा हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अगर जो भी इनका फैसला है तो उनका अपने फैसले हैं इनके पार्टी के, मगर मैं अपनी ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इनको स्टेप डाउन करना चाहिए था और अपना ही कोई प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना चाहिए था और वो गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए था। जैसे शरफुद्दीन साहब ने कहा कि भाई उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था और अपनी ही पार्टी से कोई चूज़ कर लेते, दूसरी बात यह है कि ये पनामा केस जो है ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थोड़ी है, पनामा केस जो है हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पनामा केस जो है एक इंडिविजुअल एक फैमिली के खिलाफ कुछ अफराद के, और यही सिचुएशन इमरान खान की है, मेरे ख्याल में उसके खिलाफ भी केस है, वो भी चल रहा है। मतलब ये है कि क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं किया और जिद के ऊपर कायम है। सर जी, शरफुद्दीन मेमन भाई को मैंने दरमियान में इंटरसेप्ट नहीं किया, मगर इत्तेफाक की बात है कि मैंने दो पॉइंट इस पर पहले नोट किए थे कि शायद ये बात आ जाए। सूरत हाल वैसी नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में और उसके बाद जो वज़ीर आज़म आए, वो पोजीशन उस वक्त इस तरह की तहरीक नहीं चल रही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तब्दीली हुई। इस वक्त तो तहरीक चल रही है, वो एक बड़ी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो तो सड़कों पे आमादा है आने के लिए और धरने वगैरह के लिए, लेकिन तो अंदर से सूरत हाल जो है सर, अंदर से सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाउस में तो इनकी अक्सरियत है और ये अमूमन होता है कि हाउस में तब्दीली आती है, एक नहीं तो दूसरा जो है वो लीडर ऑफ हाउस मुंतखब कर लिया जाता है। मगर इस वक्त मैं आपको वो एक बात बताना चाहूँगा कि BBC की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये था कि प्लान बी के मुताबिक नए वज़ीर आज़म अयाज़ सादिक होंगे। नो, ये है आरिफ निज़ामी साहब का एक तबसरा है जो एक उसमें एक टीवी चैनल में उन्होंने कहा। दूसरी तरफ ये मैं उसका BBC का तबसरा बता रहा हूँ, उन्होंने कहा चौधरी निसार मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम ज़ाहिर न होने पर नाराज़ हैं। दो बातें हो गई, तीसरी उम्मीदवार जो हैं वो मरियम नवाज आसान इकबाल है, तो इतना आसान नहीं है जैसा कि आप फरमा रहे हैं। वो जो उनके बात ये है कि इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जी जी ठीक है, इतनी मुश्किलात में घिरे नहीं कर पा रहे हैं। तमाम अपोजिशन जो है इस बात पे मुत्तफिक है कि हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे।
پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے بھی یہی بات آج دوبارہ دہرائی ہے. انہوں نے کہا 2014 میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. سر جی وہ تو یہ کہتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم تحریک چلائیں گے. الٹا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تحریک تو نہیں چل رہی ہے. تحریک نہیں ابھی چل رہی. ابھی تو سر ابھی تو کورٹ میں اور جس طرح کی جیسے انہوں نے بٹ صاحب نے کہا کہ وہ تو سارا کا سارا سچویشن جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہم بحث سن رہے ہیں. ایلیگیشنز پہ ایلیگیشنز ہیں, ایکوزیشن پہ ایکوزیشنز ہیں, اور اس کے اندر وہ جی آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانا. دیکھیں نا اپنا افسر صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ جی جی ان سے چار سوال پوچھے گئے تھے شروع میں چار سوال پوچھے گئے تھے ان چاروں میں سے ابھی تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا اور جے آئی ٹی نے ان سوالوں کے جواب میں بہت زبردست ڈاکومنٹ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کر دی. کتنے والیوم ہیں سر؟ 565 کے قریب. 10 والیوم ہیں سر؟ 10 والیوم. 9 تو ڈکلیئر ہو گئے ہیں. ایک ایک سوال پورا ایک ایک والیوم ہے اس کے اوپر. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے وہ آپشن ایکسرسائز کریں اور علیحدہ ہو جائیں. پورے ملک کو ٹینشن میں آپ دیکھیں پورے ملک میں اس وقت آپ کی مارکیٹ مارکیٹ کو چھوڑیں جی دیر از سو مچ انسرٹینٹی. سر آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے, نیچے آ رہی ہے, وہ کرتی رہے گی, ایک جگہ کھڑی ہو گئی ہے, معلق ہو گئی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. سر یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ لوگوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں, کدھر لے کے جا رہے ہیں, ڈالر کہاں چلا گیا ہے؟ بالکل پورا ڈالر کہاں چلا گیا. ایک سال صرف اسی عمل میں گزر گیا ہے کہ یہ اس طرح کر لیں یہ اس طرح کر لیں. پہلے تو وہ ہٹ دھرمی پر آمادہ تھے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن اب صورتحال برعکس ہو گئی ہے حکمرانوں کے لیے, تو اب وہ ان کی چیلنج کر رہے ہیں. ان کی اس بات میں بڑا وزن ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں مانیں گے, تو اس کا اظہار تو ان کے جو وزراء ہیں جو ان کے پارٹی لیڈر ہیں وہ روزانہ ٹی وی کے اوپر آ کے یہی بات کرتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہوگا اور ہم دیکھ لیں گے منظور نہیں ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا آپ ایک سسٹم کو خود چیلنج کر رہے ہیں, ایک سسٹم کو آپ خود ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, ایک سسٹم کو خود آپ بگاڑنا چاہتے ہیں, اس کو خود ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں نا, یہ اگر اس طرح کہنا کہ جی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا رائٹر ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے, وہ نام بھی آپ نہیں لے رہے ہیں, آپ بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں نا, نام نہ بھی دیں تو وہ تو مطلب اشارہ فوج کی طرف ہوتا ہے, تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہے وہ. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2008 کے بعد سے فوج نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھا ہے. ابھی بھی فوج دور ہے, بالکل ابھی بھی دور ہے. دیکھیں یہ اب بات ایون اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی پاکستان کی سکسیس اور ہماری جو ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے. ایک چیز ہے اور ڈیموکریسی از دی سکسیس. ان کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں, سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں کود جائے اور یہ شہید بن کے سب کے سامنے. تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ تو بار بار کہتے جا رہے ہیں, وہ پہلے وہ رائل شریف صاحب کے لیے کہا گیا, پھر ان کے بعد پھر کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کہا حکومت کے خلاف سازش کیوں کی جائے گی. دو ریپرزنٹیٹو دیکھیں نا, اگر آپ اپنی حکومت کے خلاف کیسے سازش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پورے کی پوری جی آئی ٹی کو کنٹروورشل کہہ دیں گے, اگر ایک کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو کسی کا ڈسینٹ نوٹ تو اس پہ ہے ہی نہیں. وہ جو میجورٹی ڈیسیجن کے اوپر ہوا ہے وہ, اگر اس میں اگر یہ دیکھیں یہ جتنے پانچ اگر یہ تھے اس میں کوئی ایک یا دو اگر ہوتا ہے اس میں کوئی ڈفرنس اوپینین ہو سکتا تھا نا, اس میں کوئی نہ کوئی ڈسینٹ نوٹ اپنا کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی میجورٹی ڈیسیجن یہ, مگر یہ یونانیمس نہیں ہے. مگر یہ تو یونانیمس ہے. یہ بریک کے لیے کہہ رہے ہیں, بریک میں جانے سے پہلے آپ کا سوال چھوڑ جاتے ہیں افسر صاحب. جی سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے اس نے کوئی فیصلہ تھوڑی دینا تھا. نہیں نہیں, انہوں نے تو رپورٹ دینی تھی, انویسٹیگیشن کرنی تھی. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کی انکوائری رپورٹ کرنی تھی. ہر ایک نے اپنی انویسٹیگیشن, اپنا اوپینین ہے. میں ڈیفر کر سکتا ہوں, میں آپ سے بھی ڈیفر کر رہا ہوں, تو ضروری نہیں اگر ہم ایک پیج کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوگا. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پوری قوم نے ان کے اس کے کردار کو سراہا ہے. ماس ہوئے چار پانچ جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں جو روز شام کو آ کے ٹی وی کے آگے تقریریں کرتے ہیں, سوائے ان کے جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, تو اس کا ہم جواب لیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. لیٹس ہیو بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے افسر عمران صاحب کے پاس ہم نے سوال جوڑا تھا
कि JIT ने जो भी फाइंडिंग दी हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दी है, वो एक हकायक पर मबनी है। उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्होंने डॉक्यूमेंट शो किए हैं और उसमें वो तमाम सवालों के जवाब आ गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो 13 सवाल थे उसके भी जवाब हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी रिपोर्ट को पूरा माने, पूरा माने, उन्होंने कहा है, लेकिन वो दस्तावेज खुद को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी जो कैचिंग वर्ड है, तो जब डॉक्यूमेंट खुद बता रहे हैं, तो आपने देखा कि क्या वजह है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ऑप्शन क्यों नहीं एक्सरसाइज किया, अलहदा हो जाते वक्ती तौर पर और फिर अपने आप को क्लियर करके और फिर दोबारा आ जाते। होना यही चाहिए था, इसलिए कि जनाब अली, हम अपने इदारों को खुद मजबूत नहीं करेंगे तो मजबूत करने कौन आएगा। जब हमने खुद JIT के क़याम की मंजूरी दे दी, उसके मेंबर्स को जो है उसको यस कह दिया, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको माने। इसलिए माने कि ये तो डॉक्यूमेंट्री चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अदालती फैसले हैं, जो अब फैस आएगा ये रेफरेंस के तौर पर आइंदा अदालतों में पेश होते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे माने। अब ये तो दुरुस्त बात नहीं है कि वो आपको अपना जो तख्त है वो हिलता हुआ नज़र आ रहा है तो आप सब चीज़ों को वो कर दें, तहस नहस कर दें और ख़त्म कर दें, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। हमें इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के बारे में सोचना चाहिए। ये फैसले इसलिए होते हैं कि उन पर अमल किया जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपका कैबिनेट डिवीज़न है, जिस तरह आपका प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से जो फैसले होते हैं वो निचली सतह तक जाते हैं। अब वो बाद सूबे अगर न माने, कहें कि नहीं हम नहीं मानते, तो फिर ये हुकूमत का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इसलिए इन फैसलों को मानना ज़रूरी है। मैं आपको ये बताऊँगा, वज़ीर आज़म साहब ने आज ही ये बात कही है, सारे न्यूज़पेपर ने उसमें कहा है। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में दो दरख्वास्तें दायर की हैं और उनका JIT की रिपोर्ट गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट मुस्तर्द कर दे, प्रेशर डाला है सुप्रीम कोर्ट को। ये वज़ीर आज़म का मनसब नहीं है। अगर ये गैर कानूनी है सर, तो आपने हिस्सा क्यों लिया इसके अंदर? मिठाइयाँ क्यों बांटी आपने? ये क्या बात हुई? फरमा रहे हैं कि इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल। कौन से इख्तियारात का? ISI समीत टीम के 3 अराकीन पर इन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा वाजिद ज़िया ने बरतानिया में अपने कज़न को और तहरीक इंसाफ के रुकन अख्तर अली को बरतानिया में फर्म के जरिए दस्तावेज हासिल की। क्यों नहीं हासिल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे हासिल? हमें तो हमारा ये तो उनकी ड्यूटी है, किसी के थ्रू भी हासिल करें। तो आप देखें ना, आप ये तो कोई बात नहीं बनती। मतलब आप कैसे, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की तो बात नहीं कर रहे कि वो गलत है। हाँ, कि इन्होंने वहाँ से डॉक्यूमेंट हासिल क्यों किए? बात तो यही है। अच्छा, आप देखें, बात ये है अपना शरफुद्दीन मेमन साहब, कि क्या हमारे मुल्क में हुक्मरानों का कोई भी हो एहतसाब नहीं होना चाहिए? हम तो क्या करप्शन को नहीं रोकना चाहिए? क्या हमारे इदारे जो हैं वो ज़ाती ग़ुलाम हैं उनके जो हेड्स हैं? आपने देखा होगा जिस तरह से SECP के चेयरमैन ने जो टेम्परिंग की है, मुझे बताएं कितना अफसोस होता है। और प्रूव हो गया है कि उसने टेम्परिंग की है और अभी तक वो अपना दफ्तर में बैठे हुए। सर, आप मुझे बताएं, ये क्या है? आप मुझे वेयर वी आर हेडिंग, वेयर दिस कंट्री इज हेडिंग सर? हम खुद अपने आप को आग में धकेल रहे हैं, हम खुद अपने आप को आगे की बजाय पीछे लेके जा रहे हैं। कोई इदारा आप बता दें कि जो कोलैप्स ना हुआ। आप मुझे बताएं, ये इदारे तबाह बर्बाद, ये जो चीजें हो रही हैं, अब आपको ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं, ये कॉन्स्पिरेसी जो है, ये पनामा लीक जो है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ऐसी अगर बातें आपको सुनने को मिलें, ये तो वही बात है जी, हर चीज की जिम्मेदारी अमेरिका पे डाल देते, डाल दो, वो शुक्र है अब जान छूट गई है। तो ये हमारी अमेरिका ने अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। खास तौर पे हमारी यूथ जो है, बिलीव मी माय सन वाज आस्किंग मी, कहने लगा ये डैड ये क्या होगा इसका? तो मेरे पास का जवाब नहीं था कि ये क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा और क्या है। तो अगर ये अगर तासुर हमारे बच्चों में आ गया कि इस मुल्क जो है ये बगैर करप्शन के चल ही नहीं सकता, इसमें कोई इंस्टीट्यूशन बगैर करप्शन के नहीं चल सकता, ये तो ऐसा है कि अगर करप्शन नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा।
ये तो उल्टा हो रहा है। तो एक आईनी तरमीम करके करप्शन को रेगुलराइज कर दे ताकि हर कोई करप्शन करना शुरू कर दे। अगर हमने कुछ नहीं करना, अगर एक साइकिल चोर को पकड़ना है, एक बत्ती चोर को पकड़ना है, एक एक किलो सेब चुराने वाले को गिरफ्तार करना है, इसमें फिर कहानी खत्म हो जाती है ना। इसके ऊपर हम अफसोस और रोने के अलावा और क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। अभी केपीके के वजीर हमारे लोग अच्छे नहीं है, लोग मेजॉरिटी लोग अच्छे हैं हमारे, सब मेजॉरिटी लोग हमारे, एवरीवन इज गुड अनलेस ही प्रूव्स टू बी अदरवाइज। तो काम करना चाहते हैं, दुनिया भर में कामयाब है पाकिस्तानी कम्युनिटी। अगर दुनिया भर में अगर आप जाके देखेंगे तो वो एक एक आदमी वहां पर ऐसा है जैसे हीरा है, और ऐसा ऐसा आदमी है जो वहां पहुंचा है, उसने खुद सर्वाइव भी किया है, उसने अपना बिजनेस भी सेटअप किया है, काम करके वहां पर पीएचडीज किए हैं उन्होंने, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचे। अफसर साहब, आप तमाम मुल्कों की मिसाल ले लें, अगर कोई लीडर के ऊपर चार्ज लगता है तो पार्टी के जो लोग हैं वो उससे डिमांड करते हैं कि आप जी पार्टी की तरफ से ही। और एक बात मैं कहूंगा, प्रेशर होता है, एक बात मैं कहूंगा, मैं तो पर्सनली जो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जनाब जो बाहर से आता है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता, मैं कहता हूं उनको कंटेस्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज वो बाहर रहकर उनका इतना उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है कि वो तो सीधे ट्रैक पे चलते हैं, अखलाकी तौर पर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, वो उनसे झूठ बोला ही नहीं जाता उनसे, लेकिन उनसे बेईमानी होती नहीं है, सही उनसे फ्रॉड होता नहीं है उनसे। एक दफा ये क्रेडिट भी जाता है प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और जीआईटी के सामने पेश हुए, ये भी एक ये बात ये देखे ना, ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग बात है कि फैसला क्या आता है उनके खिलाफ आता है या उनके हक में आता है, ये तो एक ऐसा स्टेप, लेकिन उन्होंने एक अच्छी रवायत कायम की है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पहले कर दी थी, उन्होंने कर दी थी। तो ये आप कंपैरिजन देखें, हम तो इसमें खुश हो रहे हैं, ये हम तो सर इस बात पे खुश हो रहे हैं, ये कोई बात है। नवाज शरीफ साहब का जो इससे पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की जो है सुप्रीम कोर्ट की अदालत में, उसमें भी पेश हुए थे वो, तो लेकिन वहाँ पे तो मामला बिल्कुल उलट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया था, लेकिन ये पेश हो गए थे। लेकिन देखिए ये पनामा लीक्स के बारे में ये जो कुछ हो रहा है, इसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे हैं कौम पर, इसके ज़रिए से कौमी इत्तेहाद जो है वो नुकसानदेह हो रहा है। इसलिए कि इमरान साहब ने कॉल दे दी अपने वर्कर्स को कि ये फैसला आएगा, आप लोग तैयार रहिए, इस्लामाबाद पहुंचना है। नहीं नहीं, बात तो ये है ना कि हम इस चीज़ को भी नहीं मानते, अगर फैसला उनके हक में आता है तो इमरान खान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जल से जुलूस निकाले। उन्होंने खुद ये खड़े होकर ये बात की है, एडमिट किया है और कहा है, ब्यांगे तोल ये बात की है कि जो फैसला आएगा उनको उनको कबूल करना होगा, उनको भी करना चाहिए और उनको भी ये बात है। मैं इस बात पे आपसे थोड़ा इत्तफाक करूंगा, जो जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर मेला लगता है हर पेशी के बाद, तो ये दोनों साइड से ऐसे ही लगता है कि ये फैसला नहीं मानेंगे, इसको इनको जिसको बैन करना चाहिए सर। नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम ये तोहीन अदालत है जो कुछ हो रहा है जनाब, आपकी तरफ अभी तक जो हो रहा है, अभी तक जो कुछ हो रहा है, इसलिए और प्रेशर डाल रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग मंगा ली है इन सब की, ये जो खड़े खड़े होके ना तकरीरें करते हैं वो सब उन्होंने रिकॉर्डिंग मंगा ली। और आप, मेरा ये ख्याल है कि ये केस के फैसले के बाद इन सब के ऊपर हाथ डाला जाएगा और इन सब को सजा दी जाएगी। लगता है कि पूरी कौम जो है सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल। नहीं, दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टू सेट एन एग्जांपल वंस फॉर ऑल, ताकि मुल्क जो है वो एक कानूनी ऊपर आने के ऊपर चले। कितने सारे हमारी जीआईटीज हैं, कितने सारे, कोई चीजें हमारे सामने नहीं आई, कोई रिपोर्ट हमारे पब्लिकली कोई रिपोर्ट सामने, हमें पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में कौन सी कमीशन बने, कौन सा मुद्दू रहमान कमीशन, वो हमें पता नहीं क्या हुआ, पब्लिक नहीं हुई, और अशरफ खान केस है उसका हमें पता नहीं क्या। एक और अफसर साहब आपसे सवाल है, आप तो माशाल्लाह काफी पढ़ते रहते हैं और लिखते रहते हैं, सारा कुछ है, कहते हैं जी असासे और आमदनी जो है किसी की भी, जी मैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, जी जी असासे और आमदनी जो है स्टेटस ये देखना देखना लाजमी, ये मालूम करना जी, ये कोई इसके लिए कुछ सेमिनार करवाने की जरूरत है। अगर एक आदमी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है और उसने 50 लाख की गाड़ी रखी हुई है, तो ये कहां से, और जो 20 करोड़ के घर में रहता है, तो इसके लिए कोई, मेरा ख्याल है कोई जेआईटी की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पैसा कहाँ से आया।
سو اس لیے جو ریکوائرمنٹ ہے جو سب کہتے ہیں سب کی ڈیمانڈ ہے تمام سیاسی جماعتوں کی کہ ابو دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو ایک دفعہ سب کو نیٹ میں لے آئیں اور سب کو نیٹ میں لے آئیں اور سب کو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ترازو کے اندر تولیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امن ہو جائے گا ملک میں کرپشن ختم ہو یہ امپریشن دیکھیں بڑا کریٹ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس بھرتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کتنے لوگ جو آپ کا دیکھیں اگر نہیں سنیں میری میں کمپلیٹ کرنے دیں میرا خیال میں 20% کہتے ہیں یہ ٹیکس بڑھتے ہیں نہیں نہیں 20 لاکھ بھی نہیں ہے میں بھی اس سے بھی کم اگر 20% اگر ٹیکس بڑھتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس بڑھتے ہیں اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر بھی جو کرپشن اگر ہوتی ہے وہ ٹیکس کے پیسے بھی ہمارے ضائع چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے وہ تو دوسرے وہ کون ٹیکس دے گا آپ کو مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دیں اور وہ کرپشن میں چلے جائیں یا کسی کے پاکٹ میں چلے جائیں یا اس کا غلط استعمال ہو تو اگر ہمارے پہ استعمال نہ ہو تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب کی جو بات ہے کہ معیار زندگی پرکھنا چاہیے دیکھیے پچھلے دنوں یہ ہوا نہیں میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے آپ کا کہنا بینکوں میں جو ہے یہ شروع ہوئی کاروائی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کس کا تو لوگوں نے بینکوں میں رکھنا چھوڑ دیا کوئی واشنگ مشین کے اندر رکھ رہا ہے سر کوئی گھروں کے اندر وہ کر رہا ہے سارا پیسہ کوئٹہ میں 64 کروڑ روپیہ برآمد ہوا برآمد ہوا بالکل تو بینکوں میں پھر تو اسی طرح معیار زندگی پرکھا جائے اس کی ذرائع آمدنی سے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی صحیح لائن پہ آ جائیں گی میں نے وقت تھوڑا کم ہے تو میں آخری ایک اسی سے سوال سے کنیکٹڈ سوال پوچھنا چاہتا ہوں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے کافی بات چیت آتی رہی ہے جاتی رہی ہے کہ اب وہ تھوڑا سنا علیل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے وزیر داخلہ کو جو اخبار میں آیا جو ٹی وی پہ دیکھا کہ علیل ہو گئے ہیں طبیعت خراب ہو گئی ظاہر ہے وہ ان کو بھی ٹینشن ہے اور پھر سب سے بڑی ٹینشن تو یہ ہے کہ جو جس نے انکوائری کی ہے وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے بہت بڑا اپرچونٹی پاکستان کو ہے سی پیک جو ہے وہ آپ کے بالکل ایک ایسا ایک اکنامک گیٹ وے بن رہا ہے اور وہ میرے خیال میں راؤنڈ دی کارنر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے خبریں اڑ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں تھوڑا سر یہ بن نہیں رہا یہ ہے جو عموماً یہ ہوتا ہے بالکل جی ہاں کیٹیگوریکل ہاں بالکل بڑی زبردست بات کی ہے ٹھیک ہے ہاں گروپس ہیں پھر واقعات جو ہیں ہم لوگ جرنلسٹ ہیں نہیں وہ گروپ تو بننے تھے دیکھیں نا ایک مخصوص جو گروپ تھا ان کو نوازا گیا تھا باقی سارے بیٹھے ہوئے تھے خاموش ہیں لیکن ایک پاور کا جو ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک اثر بڑا نشہ ہوتا ہے جی تو اب لیکن لوگ ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سا بھی وہ ہوگا اشارہ ہوگا لوگ علیحدہ ہوں گے ادھر ادھر میں نے ایک چیز لکھی تھی اگر آپ اجازت دیں تو دیکھ ایک صاحب ہیں تو وہ انہوں نے یہ کہا میں نام لے لیتا ہوں عابد یہ جو اخلاقیات پر جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کے 3 منٹ باقی ہیں جی تو عابد شیر علی نے شیخ رشید کے بارے میں کہا یہ جو حکم تبدیلی کا عمل ہے نا وہ کہنے لگے کہ جب مسلم لیگ میں تھے تو نواز شریف کے جوتے پالش کرتے تھے اور کپڑوں پر استری کرتے تھے یہ میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں آگے اس پر گفتگو کروں پتہ ہی نہیں ہے وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا جب شیخ رشید سیاست میں آیا اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور اس کو شرم آنی چاہیے کہ ٹاپ کے لیڈر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے دشمنی میں ہمیں اتنا آگے نہیں چلے جانا چاہیے اسی طرح ایک اینکر نے ٹی وی پروگرام میں کہا مولانا فضل الرحمان بھائی ایک مرتبہ ہے ایک عالم دین ہے ان کے بارے میں کہا کہ سابق حکم یہ جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت چلی جائے تو وہ اس حکومت کے یہ بیوہ ہوتے ہیں جو موجودہ حکومت ہو اس کے منکوہا بن جاتے ہیں اس کی بیوی بن جاتے بن جاتے ہیں اور آنے والی حکومت ہے اس کے منگیتر بن جاتے ہیں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں تو آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اپنی جو ہسٹری ہے وہ آپ دیکھ لیں سر دو وزارتیں اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو اس سے ہٹنا نہیں ہونے ان کا تو صرف اتنا ہی ہے بس سارا اور دیکھیے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ان کا کوئی بیان آیا رہیں کہیں جائیں کبھی نہیں نہیں کریں جانے کو چھوڑیں کوئی بیان آیا ان کے بارے میں یہ تو دیکھیں یہ اس طرح سے عہدے لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اگر آپ پنگے لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا آپ کرنی چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ شرف الدین میمن صاحب اور جناب افسر عمران صاحب جیسا کہ ہمارے پینلسٹ نے کہا ایگری کیا انہوں نے کہ اس وقت جو ہے ملک ایک بہت ہی مشکل حالات میں ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ذاتی مفادات سے ہٹ کر
ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو یہ آپشن ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا. جب ایلیگیشن لگ جاتا ہے, ایکیوزیشن ہو جاتی ہے, بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ جے آئی ٹی تک آ گئی ہے, یا تو بائی کاٹ کر دیتے کہ نہ کرتے. پھر جو انہوں نے اپنی تقریر کی وہاں پر اس میں اسمبلی میں, وہ بالکل تضادات سے بھری پڑی ہے. اس میں جو انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع, لیکن وہ ذرائع جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے. وہی جے آئی ٹی نے جو ہے ڈاکومنٹڈ کر کے اور آپ کے سامنے, عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی رپورٹ فائنل نہیں ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کلوز نہیں کی ہے, کیا وجہ ہے کہ دونوں طرف سے مطلب ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے اور ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, اخلاقیات سے گھٹیا باتیں کی جا رہی ہیں اور ایسے ایسے ایلیگیشنس لگائے جا رہے ہیں جے آئی ٹی پہ جو کہ مناسب نہیں ہیں. ان کو تو ایک ٹاسک دیا گیا سپریم کورٹ نے, وہ انہوں نے پرفارم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی انویسٹیگیشن کی ہے. وہ انہوں نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا, انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور جو انہوں نے بات لکھی ہے اس کا انہوں نے ڈاکومنٹ اٹیچ کیا ہے, جو انہوں نے بات کی ہے اس کا ڈاکومنٹ اٹیچ کیا ہے. تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے فیصلہ چاہے کسی کے حق میں آئے یا خلاف آئے, ان کو جیسا کہ انہوں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا وہ ہمیں قبول ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں, ہاں بالکل, لیکن تیور یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سو لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہاں, پاکستان زندہ باد.